आप एक तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और बार बार ये मेरे को मेरी नौकरी करना भी आप सिखा रहे हैं। सर बात कर लो, अभी भी आपसे कह रहा हूँ ठीक रहेगा, ये चालान भारी पड़ेगा आपको। अच्छा, आपका अगर मैं चालान करूंगा तो मेरे लिए भारी पड़ेगा? चालान भारी पड़ जाएगा। अच्छा, सर मतलब नहीं है। और मैं आपको चाह रहा हूँ सर, तो आपने तो ये पुलिस का लोगो भी लगा रखा है ना, हेलमेट लगा रखी है और लॉकडाउन भी लग रहा है। अरे सर आप एक बार बात तो करिए, बात करने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? और बात करोगे तो पता चल जाएगा कि मास्क क्यों नहीं पहन रखा है, हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा है। और सर रहने दो, चालान भारी पड़ जाएगा। और बता दूं सर, कुछ नहीं रखा है इन मास्क में और हेलमेटों में। साइड में लीजिए, आपके पीछे ट्रैफिक को हो रहा है, देखिए या गाड़ी से उतरिए, फोन बाद में आप यूज लें। सर बात तो कर लो एक बार। तो आप पहले गाड़ी से उतरिए तो सही, आपने पुलिस का लोगो लगा रखा है और आप। अरे सर मिलने वाले की गाड़ी है, मिलने वाले की गाड़ी है। आप ये तो बताइए कि आप आ कहाँ से रहे हैं और बिना हेलमेट? सर मैं ऑफिस से आ रहा हूँ सर। तो ऑफिस से आ रहे हैं तो आपको किसी ने परमिटेड कर रखा है क्या कि आप बिना हेलमेट के आएंगे? सर लेट हो गया था मैं, इसलिए ऑफिस से आ रहा हूँ। आप बात कर लो सर। नहीं बात किससे कर लो, आप बात तो कर लो। आप तो कागज निकालिए, मैं बात कर लूंगा। आप कागज निकालिए पहले। सर एक मिनट बात करना। अरे भाई साहब आप कागज। सर बात तो आप एक बार रखिए। सर बात कर लो, मैं कह रहा हूँ आप इसको रखिए। सर बात तो करिए आप एक बार। ये मैं आपका सीज कर लूंगा, अगर दोबारा आपने मुझे बात करने के लिए कहा सीज कर लूंगा मैं इसे। आप नीचे उतरिए, इधर साइड में आइए। क्या नाम है आपका? सर बात कर लो ना सर। अरे मैं आपको नाम पूछ रहा हूँ भाई, क्या नाम क्या आपका? सर बात कर लो आप। सर मैं स्टाफ से हूँ। और अरे भाई स्टाफ से तो आपको ये कह रखा है क्या कि आप हेलमेट के बिना गाड़ी चलाएंगे और लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे? सर ऑफिस से लेट हो गया था, बाकी मैं खुद। कौन से ऑफिस में आप? सर मेरा खुद का सीए का ऑफिस है। तो ऑफिस तो आपको सरकार की गाइडलाइन नहीं पता है कि ऑफिस कितने बजे खुलेगा या क्या होगा? सही है सर। तो बिना हेलमेट क्या है आपका? सर हेलमेट एक्चुअली मैं भूल गया था मैं। नहीं तो हेलमेट तो आपको लगाना चाहिए, आपको गलती माननी चाहिए कि आपने हेलमेट नहीं लगा रखा और आप बार बार मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं। सर ठीक है, मैं कोई बात नहीं करूंगा। आपके लिए ठीक रहेगा सर, मेरे लिए आप मेरे को मेरी ड्यूटी करना मुझे अच्छी तरह पता है। तो बात कर लो सर। आप क्या सब क्या कहा आपने? मैंने कहा आपके लिए ठीक रहेगा। अच्छा मेरे लिए ठीक रहेगा जी सर। अच्छा अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका बताइए? नाम बताइए। कुछ नहीं। पिताजी का नाम बताइए। सर ये मैं साइन तो करूंगा नहीं। अरे आप अपना नाम बताइए, आप मेरे को ये कह रहे हैं कि मेरे लिए ठीक रहेगा, मेरे लिए तो जो ठीक रहेगा वो ठीक रहेगा, आप बताइए ना। आपको पता है अगर नाम पता नहीं बताना भी कानून का उल्लंघन करना है। वो ठीक है। जैन। आपकी एज क्या है? 30। एड्रेस क्या आपका? मंडोर एस 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 साहब से ही तो बात कर रहा हूँ। अरे आप जो छोड़िए मेरे को, आप अपना नाम पता बताइए। नाम पता नहीं बताना अभी, बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कागज नहीं होंगे तो आप नंगे पैरों जाएंगे यहाँ से, पैदल जाएंगे आप। मैं कह रहा हूँ अपना चालान भारी पड़ेगा, चालान मत करिए आप, बात कर लीजिए सर। मैं कर लूंगा बात। हाँ बहुत जोरदार आदमी मिले मुझे तो कि आप मुझे नौकरी करना सिखा रहे हैं। और मेरा नौकरी करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं बात कर लेना सिर्फ। तो आप बात तब तो करूं तब आप ये कोई बात हो कि भाई आपके इमरजेंसी है या कोई है। आप तो इस तरह आ रहे हैं जैसे कोई बॉम्बे से शूटिंग करके आ रहे हैं। लिखे गाड़ी के कागज सर? गाड़ी दूसरों की बता तो रहा हूँ सर। आपका डीएल? मेरा डीएल बना हुआ ही नहीं है सर। कोई कागज नहीं आपके पास? करिए 207 में बंद करिए गाड़ी। सर मत करिए आप, ठीक रहेगा। चाबी दीजिए मुझे, चाबी दीजिए मुझे, चाबी दीजिए। चाबी देना सर मुझे नहीं करता सर, मैं साला साइन। चले आप इसमें, आप इसमें लिख दीजिए, एक तो साइन करने से मना किया, लिखो आप साइन करने से मना किया। ये भी लिखिए इनका व्यवहार अमर्यादित था। सर ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं आपको कि अमर्यादित व्यवहार, इनका व्यवहार अमर्यादित था। इन्होंने कहा कि आपको ये चालान करना भारी पड़ जाएगा। ले चाबी दीजिए। अरे महावीर कोई अपना कांस्टेबल कौन है थाने है? अरे इसको थाने पे खड़े करके आओगे। जाओ नंबर नोट कर लिया आपने गाड़ी? चालान नंबर लिख दीजिए। चालान की कॉपी तो देंगे? हाँ मैं चालान की कॉपी दूंगा बाकायदा आपको। ये आपका मोबाइल पकड़िए एक तो। और भाई साहब शुक्र करके सरकार ने नौकरी दी है, नौकरी करना मुझे आता है, किस तरह करनी है नहीं करनी है मुझे मत सिखाइए कि आप मुझे क्या करना, और कानून की पालना करिए। ये लिख दिया इसमें इन्होंने साइन करने से मना। लिख दिया सर साइन करने से।
अब आप ये भी ध्यान रखिए, जो आपने शब्द प्रयोग किए हैं ये भी मैं आपके खिलाफ इसकी कानूनी कार्रवाई करूंगा। पकड़िए, और जो आपने शब्द यूज किए ना इसके भी कानून में प्रावधान है कि आपके खिलाफ। सर कानून मत सिखाइए ज्यादा, और ये चालान ना आपको बहुत भारी पड़ेगा, अभी बता रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इंतजार लो, गाड़ी लेके जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं, लेके जाइए वापिस से कह रहा हूँ, चालान भारी पड़ेगा।